अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 6307 ZCU30, इस आज की एक्सपेक्टेड डोमिनेटेड पावर फॉर 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। ये आप देख सकते हैं इसकी गेजेस पोजीशन, और ये A900 और SA900, SA900 फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड A900 फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड SA900 फॉर लोको ऑपरेशन। ये इसकी सीजेस पोजीशन, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट, बैकवर्ड की हेडलाइट, ये फील्ड वीकनिंग स्विच है, ये जो फ्रंट की बफर लाइट्स होती हैं वाइट, ये उनके लिए। अच्छा, इस स्विच की पोजीशन के ऊपर आप देख लें कि अगर इसको आप यहाँ करेंगे तो रियर यानी पिछली वाली वाइट लाइट सिर्फ जलेंगी, अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ये फ्रंट, तो ये फ्रंट की लाइट जलेंगी, लेकिन अगर आप यहाँ लिख दें ऑल ऑन तो दोनों तरफ की वाइट लाइट चल जाएंगी। और इसके लिए दूसरी साइड ये भी है, ठीक है। इसी तरीके से ये रेड बफर लाइट्स हैं, वही रियर और फ्रंट पोजीशन मैंने जो इसमें है वही है, ऑल ऑन करनी हो तो इस तरीके से। अच्छा, ये कब यूज़ होती है ये भी बता दूँ, वाइट तो आप रनिंग में आप वाइट ऑल ऑन रखें, कोई नो इशू, ठीक है। अच्छा, जब लोको आपका कभी सिंगल लाइन वर्किंग कर रहा हो, सिंगल लाइन के ऊपर हो, या फिर अप लाइन के ऊपर कोई मसला हो और डाउन साइज के ऊपर, डाउन लाइन के ऊपर जा रहा हो, या डाउन लाइन पर मसला हो अप लाइन के ऊपर लोको जा रहा हो, यानी कि रॉन्ग लाइन के ऊपर जब लोको या ट्रेन जा रही हो, तो उस वक्त जो है वो आप फ्रंट की जो है ना रेड लाइट ऑन रखेंगे, फ्रंट की रेड लाइट ऑन रखेंगे, और ताकि स्टाफ जो है वो सामने नज़र रख सके, यानी कि लाइन के ऊपर रॉन्ग लाइट आ रही है। जब आप ट्रेन के साथ जुड़ जाते हैं तो आप ये वाली रियर लाइट, यानी बैक साइड आप नहीं जाओगे ना, बैक साइड पे तो आपकी ट्रेन लग गई, तो ये रियर रेड लाइट जो था वो आप ऑन कर देते हैं, ठीक है, राइट। अभी फ़िलहाल हम इसको इस पोजीशन के ऊपर रख देते हैं। विंड स्क्रीन, ये आपको मैंने बताया था विंड स्क्रीन, ये इंजन स्टॉप वगैरह बटन है, और ये आपका है कैब लाइट, सारी कैब लाइट ऑन हो गई, ऑफ कर दी, ये कैब फैन है आपका, ठीक है। इसे का मूवमेंट कर रहे हैं और इसको रख देंगे। चलने से पहले हमेशा मैंने आपको बताया था कि विसलिंग देते हैं, ये आपके साइड पर जा रहे हैं 9032 AG U40, ये 41 अप एक्सपेक्टेड पावर 41 अप थी, लेकिन चूंकि इसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, अभी अटेंडिंग के लिए शॉप अटेंड होगा, वहाँ से ही अटेंड होगा, अगर इसका इशू अटेंड हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर इंजन के डिरेलमेंट होने का खतरा है, और आज हम आपको बताएंगे कि डिरेलमेंट कैसे होता है, और अभी हम आपको नीचे लेके जाता हूँ। ये जो लाइनें मिल रही हैं इनके दरमियान में ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इस गैप की वजह से जो है वो ये डिरेलमेंट होता है। डिप्टी ड्राइवर या ड्राइवर को इस गैप को लाजमी देख के चलना चाहिए,